विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आज पर्यावरण दिवस भी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है, इसके कारण हमने भी आज वृक्षारोपण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जमीन में पानी का स्तर बहुत ही नीचे जा चुका है, हर गांव और शहर में पेड़ों को काटकर इमारतें बनाई जा रही हैं, जिससे पूरा भारत कंक्रीट जंगल दिन पर दिन बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पीढ़ी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। पहले के समय में हमारे माता पिता ने हम सभी को अच्छा भविष्य दिया, अच्छा भोजन, अच्छा वातावरण, हरियाली दिया। आने वाले कल को हम अपने बच्चों को घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस दे रहे हैं, लेकिन हम उनको ऑक्सीजन, हरियाली नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी नागरिक हैं वह एक पेड़ हर व्यक्ति लगाए। 135 करोड़ की आबादी में अगर हर एक आदमी एक पेड़ लगाता है तो आने वाली पीढ़ी को हम हरियाली, अच्छा वातावरण और हम अपने आने वाले भविष्य को, इस देश को और इस धरती को बचा सकेंगे और इस भारत को बचाना हम सभी का दायित्व बनता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, संगोष्ठी का जो प्रमुख उद्देश्य है कि नमस्कार, मैं हूं सांसद रवि किशन शुक्ला। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारे डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पे हमारे लोगों ने, गोरखपुर के जितने भी सम्मानी लोग हैं, उन लोगों ने एक ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम रखा जिसको यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा बढ़ावा देते हैं। मैं यहाँ आने से पहले मैंने 3 वृक्ष आज लगाए। एक तो हमारे पूज्य महाराज जी का जन्मदिन है तो वृक्षारोपण वो भी किया, और पर्यावरण का एक मुहिम से मैं भी जुड़ा हूँ, सेव सॉइल, जिसको मिट्टी को बचाओ, क्योंकि जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं वो आप लोगों को भी गौर से सुनना चाहिए कि आने वाले समय में जो हम लोगों ने भौगोलिक तरीके या साइंटिफिक रीजंस से पता किया है कि ज़मीन में पानी का स्तर जो है वो बहुत नीचे जा चुका है। अब इसके बहुत सारे कारण हैं, इसके देखिए कंक्रीट जंगल बनता जा रहा है पूरा भारत, हर जगह, अब गाँव में भी गांव नहीं रहा, हर जगह इमारतें बन रही है, ग्रोथ है, मैं समझता हूँ सब कुछ, लेकिन अगर आप कोई पेड़ कट रहा है या तो सड़क बन रही है तो उसके एवज में ऑल्टरनेट वी हैव टू प्लांट अ ट्री, हमको पेड़ लगाना है। अगर कुछ एक चीज़ कट रही है तो हमको उसके ऑप्शन में 4 लगाना है, क्योंकि यही ऑक्सीजन से लेके सब कुछ, ये ग्लोबल वार्मिंग भी जो आप महसूस कर रहे हैं अचानक, इस वक्त हम लोग बहुत सारी गर्मी को महसूस कर रहे हैं, ये वो रीज़न है। पहले का समय याद रखिए, हमारे बचपन का समय याद रखिए, वो समय क्या था और ये अचानक होता क्या जा रहा है। तो मैं आप सभी लोगों को, डॉक्टर साहब, आप सबको, एवरीबॉडी, मैं आप लोगों को बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं इस कार्यक्रम से जुड़ के विश्व पर्यावरण दिवस और एक जो वैचारिक संगोष्ठी है जहाँ पर एक बातचीत होना कि आने वाली पीढ़ी को हम क्या देके जा रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ एक मंच या एक कोई बातें नहीं है, या मैं एक सांसद हूँ या मैं एक सुपरस्टार आपका बनाया हुआ हीरो हूँ, मैं बोलना क्या जा रहा हूँ उसको आप सभी लोग चैनल के माध्यम से गौर से सुनिएगा। आने वाला समय बहुत ही अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए। तो क्या हम अपने बच्चों को, हमारे बाप दादाओं ने हमको अच्छा भविष्य दिया, हम लोग हेल्दी रहे, हम लोग अच्छा खाए पिए बिकॉज ग्रीनरी में रहे, हम लोग अच्छे वातावरण में रहे, हरियाली में रहे, क्या हम अपने बच्चों को वैसा भविष्य देने जा रहे हैं? पैसे बना दे रहे हैं, घर, गाड़ी उनके लिए, फ्यूचर उनके लिए प्रॉपर्टी बना के जा रहे हैं, बैंक बैलेंस बना के जा रहे हैं, क्या उनको सांसें दे पाएंगे हम? क्या हम उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं? तो वो आप लोगों को सोचना आज से बनता है। तो सभी जितने गोरखपुर मंडल या इस वक्त उत्तर प्रदेश या भारत में मुझे सुन रहे हैं, आप सभी से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि कृपया एक पेड़ हर व्यक्ति लगाए। सोचिए, 135 करोड़ की आबादी है, एक पेड़ अगर एक परिवार लगाएगा, एक बच्चा लगाएगा, एक एक दादाजी या पिताजी लगाएंगे, हम अपने आने वाले भविष्य को, अपने देश को, इस धरती को बचाएंगे, इस भारत को बचाएंगे, आने वाली पीढ़ी को हम लोग नया जीवन देंगे। ऑक्सीजन से लेके कई अनगिनत प्राणियों को जीवन देता है ये पेड़। ये एनवायरनमेंट, ये पर्यावरण को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखती है हरियाली, इसके बहुत महत्व हैं। और रेन से लेके मॉनसून से लेके फूड से लेके सॉइल से लेके एवरीथिंग इज बैलेंस्ड बाय पर्यावरण। एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा योगदान है, हम सबको इसको जानना है और इस पर हम लोगों को अमल करना है, इस पर हम लोगों को आगे बढ़ना है। मैं सभी से आज इस पर्यावरण दिवस पर मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक वचन आप लोग अपने आप से दें, कहीं भी हो
एक पेड़ ज़रूर लगाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की ये चिंतन और ये चिंता हम जान रहे हैं, पार्लियामेंट में अक्सर वो हमसे बोलते हैं। पूज्य महाराज जी योगी जी की चिंतन और चिंता, आज सवेरे उन्होंने अपने जन्मदिनों पर भी एक पेड़ लगाया। मैंने अभी यहाँ पर 3 पेड़ अभी लगा के झारखंडी मंदिर से मैं यहाँ डायरेक्ट आ रहा हूँ इस कार्यक्रम में। तो आप सबसे निवेदन है कि कृपया आप लोग करें और हम इस भारत को बचाएं, इस सुंदर भारत को जिसको किसी वक्त सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमारे इस सुंदर भारत को संभालना बचाना हम ही लोगों का दायित्व है। उसके बदले में अगर सड़क देखिए ग्रोथ हो रही है, आबादी बढ़ रही है, लोगों को पास गाड़ियां हैं, लोगों को स्पीड में पहुंचना है, शॉर्टकट है सबके लिए, लेकिन उसके एवज में सरकार ने तो मुहिम कर दी है। राज्य सरकार अनगिनत पेड़ लगा रही है, अनगिनत पेड़ प्रशासन को मुफ्त में दिए जा रहे हैं, अनगिनत पेड़ केंद्र सरकार द्वारा भी दिए जा रहे हैं। हम लोगों का भी दायित्व है, अगर सड़क बन रही तो मैं ये ऑल्टरनेट है एक सरकार का ये कि उतने पेड़ कहीं ना कहीं उसको प्लांटेशन करें। सरकार उस मामले में पूरी बैलेंस कर रही है, लेकिन हम जनता को भी जो इस भारत के मूल निवासी हैं उन सबको भी, उनका भी दायित्व बनता है कि आप लोग भी पेड़ अपनी अपनी जगह ज़रूर लगाएं। नहीं, हम लोग अभी रामगढ़ झील के पास हम लोग ग्रीन कॉरिडोर सोच रहे हैं, गीडा के पास हम लोग ग्रीन कॉरिडोर सोच रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अशफाकुल्ला खान जू के पास अनगिनत पेड़ लगाए जा रहे हैं, एक पूरा ग्रीन जोन उसको डिक्लेयर किया जा रहा है। तो ऐसा पूरे वो चिंता महाराज जी के शहर में और जहाँ मुख्यमंत्री महाराज जी हैं वहाँ पर, और जहाँ भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार है वहाँ पर, ये सारे नियम कानून को बैलेंस किया जाएगा, कहीं कोई गलती या कहीं कोई गलत काम ये नहीं होगा, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। उसके लिए बैलेंसिंग हम कह रहे हैं ना, हर जगह पे सरकार अनगिनत पेड़ दे रही है, हर राज्य में हर ज़िले में आप पता करेंगे आपको पता चलेगा कि पेड़ लगाने की एक मुहिम है, अवेयरनेस है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पेड़ लगाने के लिए एक सांसद के रूप में मैं गोरखपुर के आपके समक्ष कर रहा हूँ। ये अवेयरनेस जानकारी सबको देनी है और सबको दे रहे हैं। अगर पेड़ आपके पास लगाए गए या मैं लगा के गया हूँ गोरखपुर में, तो उसको पानी देना, उसकी रक्षा करना, वो भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वो आपका दायित्व बनता है। पेड़ लगा के तो हमको सांसद बुला के सब लोग चले जाते हैं, हम लगा के चले भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद उसका रख रखाव की जिम्मेदारी भी कृपया आप लोग एक मनुष्य की तरह, एक मानवता के रूप में ज़रूर लें। धन्यवाद।